हाय गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। मैं प्रवीण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम कुछ हमारे व्यूअर्स की क्वेश्चंस का आंसर देंगे आपको। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको एक प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में कि सर ये GLA यूनिवर्सिटी कैसी है। शायद हमारे किसी सब्सक्राइबर ने हमारे वीडियोस जो है किसी ग्रुप में शेयर किए होंगे और वो जो ग्रुप वाले लोग हैं वो GLA यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उन्होंने मुझे मेल भी किया और आप लोगों के कमेंट्स भी आए कि आप इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताओ। तो बेसिकली मैं आपको इस वीडियो में एक तरीका बता दूंगा GLA यूनिवर्सिटी के थ्रू कि किस तरीके से आप कोई भी यूनिवर्सिटी चेक कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि वहाँ पर आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। चाहे आप 12th के बाद ग्रेजुएशन करना चाहते हो या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो, सारी चीज़ों में डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। बट उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस जब भी हम लेके आएँ आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। बात कर रहे हैं दोस्तों एक आइडियल कॉलेज कैसे सिलेक्ट करें। देखिए अभी IITs वगैरह हो गए या IIMs वगैरह हो गए, अगर आप MBA वगैरह करना चाहते हो, बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट्स लिमिटेड है, तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो किस तरीके से लें, आइडियल चीज़ें क्या देखनी चाहिए अगर आप एक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों ने देखनी है वो है कि प्लेसमेंट कैसी हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको प्लेसमेंट चेक करनी है लास्ट 5 साल 8 साल 10 साल की। इसके अलावा आपको फैकल्टी चेक करनी है। तीसरी चीज़ आप लोगों ने चेक करना है कि वहाँ की कैंपस लाइफ कैसी है, या ऐसा तो नहीं है कि भाई कॉलेज शुरू होते ही ख़त्म हो रहा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है या नहीं है, वो सारी चीज़ों के बारे में भी चेक करना है। साथ ही साथ आप फ़ीस वगैरह भी चेक कर लीजिए कि कितनी फ़ीस आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो आप लोन्स वगैरह कैसे लेंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस वगैरह में तो लोन्स वगैरह प्रोवाइड भी करा देते हैं। तो वो सारी चीज़ें चेक कर लेनी है जो अभी मैं आपको GLA यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ले जाकर बताऊँगा कि लाइव प्रोसेस करके मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से आप भी जो है इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स देख के सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे GLA यूनिवर्सिटी के बारे में भी। बेसिकली ये उन स्टूडेंट के लिए है जिनको इस पे कंफ्यूजन था। वैसे में चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं GLA यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, थोड़ा देख लेते हैं स्क्रॉल करके इनकी वेबसाइट पे क्या क्या इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जो भी ये मैं स्टेप आपको बता रहा हूँ इसी तरीके से आपको किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को चेक करना है बेसिकली इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने प्लेसमेंट रिकॉर्ड दिया हुआ है, 74% का एवरेज प्लेसमेंट रिकॉर्ड है लास्ट 8 सालों में, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है वो 2010 में स्टार्ट हुई थी, तो ऐसे में इसको 8 साल करीबन हो चुके हैं। 2100 से ज्यादा प्लेसमेंट ऑफर हो चुके हैं 2018 के बैच में। 22 लाख पर एनम का इनका हाईएस्ट पैकेज अभी तक ऑफर हुआ है इन कैंपस में। इन कैंपस का मतलब हो गया कि कंपनीज जो है आपके कॉलेज में आती है, यूनिवर्सिटीज में आती है, तो ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है। 20,000 से ज्यादा इनके एलुमनाई जो है काम कर रहे हैं, 3,000 से ज्यादा अब्रॉड में वर्क कर रहे हैं, जो कि एक डिसेंट डेटा अभी तक लग रहा है। बाकी अभी हम देखेंगे कोर्सेज वगैरह कौन से ये जो है ऑफर करते हैं। मैंने इस कॉलेज का पूरा ब्रोशर डाउनलोड कर लिया था। 20,000 से ज्यादा कि इनका एलुमनाई बेस है, जो कि एक अच्छी बात है, 2010 में शुरू हुआ है जबकि ये कॉलेज। साथ ही साथ 12,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स आज की डेट में इनके कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा 6,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अभी हॉस्टल में रह रहे हैं, वहां पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं। साथ ही साथ 110 एकड़ से भी ज्यादा का इनका कैंपस है, जो कि एक बहुत बड़ा कैंपस है। कैंपस लाइफ आपकी अच्छी होने वाली है अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। 74% का इनका जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहा है लास्ट 8 सालों में, जैसा कि मैंने बता दिया था। अब आ जाता है दोस्तों प्लेसमेंट हाईलाइट में, जो कि एक सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, फैक्टर होता है, पैरामीटर होता है किसी भी कॉलेज को सिलेक्ट करने से पहले। आप ऐसा कॉलेज बिल्कुल सिलेक्ट नहीं करना चाहेंगे जिसमें पढ़ाई तो आपको करा दी, अगर आपको फ्यूचर में जॉब करनी है तो वहाँ पे प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज नहीं आती। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, एक ब्राइट स्टूडेंट हो, पढ़ने में आपका ध्यान है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर कॉलेज में कंपनीज आ रही है और आपको प्लेसमेंट नहीं होती। तो प्लेसमेंट वगैरह देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों आप Amazon कंपनी आई हुई है, साथ ही साथ आप यहाँ के रिक्रूटर्स देख सकते हैं, इनके बायजू है, ब्रिटिश टेलीकॉम है। ये वो सारी चीजें हैं जो दोस्तों आप लोगों ने ध्यान में रखनी है जब आप कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें। प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड्स देखना बहुत जरूरी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। देखिए यहाँ पे आपको सेंट्रल लाइब्रेरी मिल जाएगी, इंटरनेट फैसिलिटी मिल जाएगी, नेटवर्किंग एंड ऑटोमेशन है, मतलब आपको यहाँ पे लैन वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा, लेक्चर रूम्स अलग बने हुए हैं, कंप्यूटर फैसिलिटीज है, कैफेटेरिया है, कैंटीन है,
साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज वगैरह आपको मिल जाएगी, बैंकिंग एटीएम वगैरह बने हुए हैं कॉलेज के अंदर, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि 110 एकड़ का कैंपस है, तो काफी बड़ा कैंपस है, तो उसमें आपको ये सारी बेसिक एमिनिटीज वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। आप जाके बाकी चीजें चेक कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कोर्सेज में कि कौन कौन से कोर्सेज ये ऑफर करती है, जो कि इम्पोर्टेंट है, राइट। जैसे ये बीटेक ऑफर करती है, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस है, बीटेक इन लेटरल एंट्री अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, साथ ही साथ बीबीए कर सकते हैं। बीबीए में भी बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है, जैसे फैमिली बिजनेस करना है, बीबीए ऑनर्स करना है, बीकॉम कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं। अब बेसिकली अगर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, जैसे बी फार्मा भी है, साथ ही साथ आपका डी फार्मा है, एमटेक है, एमबीए है, एमएससी है, साथ ही साथ आप यहाँ पे डिप्लोमा वगैरह भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी लेवल तक के प्रोग्राम्स आपको यहाँ पे करने को मिल जाते हैं। आप फीस वगैरह जाके चेक कर सकते हैं यहाँ पे ब्रोशर पे। इसके अलावा स्कॉलरशिप भी मिल रही है आपको, जैसा कि आप देख सकते हैं, और एडमिशन जो है आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप ले सकते हैं। तो लास्ट में दोस्तों यही कहना चाहूंगा, अगर आप एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं ट्वेल्थ के बाद, अगर आप आगरा के पास रहते हैं या फिर मथुरा के पास रहते हैं, या फिर अगर आपके कॉलेज पास पड़ता है, सूटेबल पड़ता है सभी तरीकों से, तो आप इसमें भी एडमिशन लेने का सोच सकते हैं। ये मेरी पर्सनल राय है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, वहाँ पे एक बार पर्सनल जाके विजिट कर लो, वहाँ जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनसे एक बार बात करके आप ज्यादा से ज्यादा देख सकते हो। अगर आप एक बार कॉलेज जाओगे, अगर आप वहाँ से एडमिशन से पहले लोगों से मिल लोगे, तो ज्यादा चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो ज्यादा अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं, तो आप इनकी वेबसाइट पे आए और सारी चीजें आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना है किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करने से पहले। ये सिर्फ जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं सिर्फ जीएलए यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं है, ये जो पॉइंट्स पैरामीटर्स जो है आप किसी भी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते समय ध्यान में रख सकते हैं, राइट। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आपके कोई सवाल क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन पर लिख के हमें बताएं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन पर लिख के बताएं। तो दोस्तों, जल्दी अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।